नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा, लेकर आई हूँ आपके लिए आपके दिन का हाल। आज आपके लिए क्या कहते हैं, आज 29 जनवरी है। साथ ही में बात करें राहु काल की, तो 8:35 से लेकर 9:51 तक का समय राहु काल का रहेगा। किसी भी यात्रा के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए आप इसका इस समय को अवॉइड कीजिएगा। तो आज बात करेंगे आपकी राशियों के बारे में, कार्ड आपके लिए क्या निकल रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए बात करते हैं। पहला कार्ड आप लोगों के लिए निकल रहा है 6 of Wands। आज के दिन में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी बातचीत को लेकर के। किसी से भी अपनी कोई ऐसी बातचीत है, अगर आप किसी बात को अगर आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी सी सीक्रेसी मेंटेन कीजिए। ऐसे लोगों से जिनको आप नहीं जानते हैं, उनसे अपनी बातें डिस्क्लोज नहीं करें। साथ ही में थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी ENT प्रॉब्लम से जुड़ी हुई परेशानी आज के दिन में आपको हो सकती हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है तो उसके लिए डॉक्टर्स को विजिट ज़रूर कीजिए, अनदेखा मत कीजिए इन चीज़ों को। उपाय क्या करना है, आज ब्लू कलर को आपको अवॉइड करना है। बात कर लेते हैं टॉरेंस के लिए। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए 10 of Cups। आज फैमिली गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। साथ ही में किसी मांगलिक कार्य के आयोजन में आप व्यस्त हो सकते हैं। पूजा पाठ में भी आज काफ़ी ज़्यादा मन लगेगा। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म में दान पुण्य करेंगे, उतना ही आपके काम भी जल्द से जल्द बनेंगे। कारोबार में थोड़ी सी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी आज बढ़ सकती है आप लोगों के लिए। रिश्तों में लेकिन मिठास बढ़ेगी, खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में आपके लिए सपोर्ट एक दूसरे के लिए बढ़ जाएगी। उपाय क्या करना है, आज सुबह उठ करके आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी है। बात कर लेते हैं जेमिनाइज की। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स। आज लग्जरीज को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ वाहन आदि खरीदने का योग भी बन रहा है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आज के दिन में पर्पजफुल इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आज हो सकता है आप अपने जो आपका सोचा हुआ एम है से थोड़ा सा भटक सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपने जो सोचा हुआ है, जो टारगेट आपने सोचा हुआ था, उसको आप अचीव आज ज़रूर करेंगे। उपाय क्या करना है, सुबह उठ करके आपको शिव चालीसा का पाठ करना है। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। आज के दिन में आपके लिए कार्ड निकलता है 4 of Swords। एक हॉल्ट पीरियड नज़र आ रहा है, जिसमें कि सिचुएशन एक जगह रुक गई है। एक स्टैग्नेंट फेस नज़र आ रहा है, जिसमें कि आप ना आगे की तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे की तरफ जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज टेंशन ज़्यादा बढ़ सकती है, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ सकता है। कोशिश करें आप अपने रिश्तों में भी थोड़ा सा एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तभी आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे। साथ ही में स्टूडेंट्स को आज मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी सिचुएशन से, इस टेंजिबल सिचुएशन से निकलने के लिए। उपाय क्या करेंगे, आज के दिन में भगवान शिव को आपको 5 रस वाले फल अर्पित करने हैं। ऐसा करने से आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं लियोस की। आप लोगों के लिए कार्ड निकलता है द जजमेंट। आज लियोस को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेना है। साथ ही में जो अपनी उत्तेजना है, उस पर भी काबू करना है। हो सकता है जल्दबाजी में आप कोई गलत डिसीजन नहीं ले लें। बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा करना आज बेहतर रहेगा। इसी के साथ पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उपाय क्या करना है, आज के दिन में सुबह उठ करके आपको सूर्य आदित्य स्रोत का पाठ करना है। साथ ही में भगवान शिव की उपासना आपको करनी है। बात कर लेते हैं वर्गोस की। तो वर्गोस के लिए कार्ड निकल रहा है एस ऑफ पेंटाकल्स। नए काम की शुरुआत हो सकती है, बिजनेस मैटर्स में भी नई डील्स फाइनलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। कोशिश करें कि शाम का समय आपको यात्रा ना करें, यानी कि आप अगर यात्रा करना भी चाहते हैं, तो सुबह का समय काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए, काफ़ी फेवरेबल रहेगा आपके लिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि आपने जो सोचा हुआ है, उसे आप अचीव ज़रूर कर लेंगे। उपाय क्या करेंगे, शिव पार्वती जी के गठबंधन आपको करना है गेंदे की माला से। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। जान लेते हैं लिब्रंस के लिए दिन कैसा रहेगा। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स। आज जो सोचा हुआ है, उसे ज़रूर आप पूरा कर लेंगे। साथ ही में आपके जो अधूरे काम हैं, वो भी टाइम पर पूरे होंगे। आज जीवन साथी का सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ ही में आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। जॉब में चेंजेस करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए आज काफ़ी अच्छा समय है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी आज के दिन में बैलेंस हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उपाय क्या करना है, आज के दिन में शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध अर्पित करना है। ऐसा करने से कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, और जॉब में भी जो चेंजेस होंगे, वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। घर की महिलाएँ जो हैं, वो आपको सपोर्ट आज ज़रूर करेंगे। उनकी तरफ से कुछ आइडियाज़ भी, इनोवेटिव आइडियाज़ भी आपको मिल सकते हैं। साथ ही में शाम का जो समय रहेगा आप लोगों के लिए, काफ़ी इन्जॉयमेंट वाला रहेगा। बाहर आउटिंग पे जा सकते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ सेलिब्रेशंस का माहौल रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। साथ ही में घर के जो छोटे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दीजिए। उपाय क्या करना है, आज के दिन में आप लोगों को
मिश्री खाकर ही किसी काम के लिए बाहर जाना है। बात कर लेते हैं सैजिटेरियंस की। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए पेज ऑफ पेंटाकल्स। अनुशासन और संयम आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम से ध्यान हटा तो आपके सामने कई समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। आपको अपने फायदे के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आज जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसे गंवाएं नहीं, बल्कि उस पर आप कार्य करने के लिए आगे बढ़ें। उपाय क्या करना है? पहली रोटी जो है आज घर की, उसको गाय के लिए निकाल दें, या फिर अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो गौशाला में जाकर कुछ दान, पैसों का दान आप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। मकर राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है द टेम्परेंस। टेम्परेंस आज के दिन में आपसे ये कह रहा है कन्फ्यूजन्स में आज नहीं पड़ना है, क्योंकि जितना आप कन्फ्यूज होते जाएंगे उस आपके काम में भी उसका असर पड़ेगा, आपके काम में भी रुकावटें बढ़ेंगी। आज रिश्तों के हिसाब से दिन काफ़ी अच्छा है। आप नई प्लानिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। उपाय क्या करना है? आज ऑफ व्हाइट कलर के कपड़े पहनना काफ़ी शुभ रहेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं एक्वेरियंस के बारे में। तो कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है पेज ऑफ कप्स। आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट करते जाएंगे तो हो सकता है सिचुएशंस या अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाएं। आज ध्यान किस बात का रखना है? अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखें। साथ ही में अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे भी मदद लेने में आपको हिचकिचाना नहीं है। आज दोस्त जो हैं आपके, जो खासतौर पर जो कलीग्स हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। प्रमोशन के प्लान्स भी दिखाई दे रहे हैं रिश्तों में, लेकिन थोड़े से टकराव वाली स्थिति नज़र आ रही है। आज बहुत ज़्यादा उम्मीदें अपने पार्टनर से नहीं लगानी है। उपाय क्या करेंगे? सुबह उठकर के आज के दिन में शिव चालीसा का पाठ आपको करना है। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। पाइसेंस के लिए कार्ड निकल रहा है द हायरोफेंट। आज जो आपके गुरु हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, उनसे सलाह मशवरा करना बहुत ही अच्छा रहेगा। फाइनेंसिस की बात करी जाए तो आज फाइनेंसिस में स्टेबिलिटी बढ़ रही है। किसी भी ऐसे काम में इन्वेस्ट करना जो कि आपको, जिसकी जानकारी ना हो, आज वो अच्छा नहीं रहेगा। तो कोशिश करें आप जिस पे ट्रस्ट करते हो, जिस काम पे या फिर किसी ऐसी चीज़ पे, रिलायबल चीज़ हो, उस पे ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आज रिश्तों के हिसाब से भी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी शाम तक। उपाय क्या करेंगे? शाम के समय तुलसी के पौधे में दीपक जलाना आज बहुत ही शुभ है। साथ ही में आज शिवलिंग पर सफ़ेद तिल चढ़ाने से भी आपके सोचे हुए काम जल्द पूरे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात इसी वादे के साथ। आप लोग मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एस्ट्रो तक।